Good morning, students. Welcome to my online class. Today we will be reading from class 12th Flamingo book, chapter 4, The Rat Trap. I will be explaining both in Hindi as well as in English. So, आज हम लोग the rat trap के बारे में पढ़ेंगे. ये थोड़ा सा लंबा पार्ट है. सेल्मा लागरलोफ के द्वारा ये लिखा गया है. थोड़ा सा लंबा और बोरिंग जैसे है और बहुत बहुत बड़ा बड़ा वोकैबुलरी का प्रयोग किया गया है, लेकिन मैं जिस आसान शब्दों में समझाने की प्रयास करूंगा आप सबको आसानी से समझ में आ जाएगी. तो मैं ये वीडियो मैं दो भाग में बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा पाठ है. तो मैं ये जो पहला भाग है इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद में जो अगला वीडियो या अगला ऑनलाइन क्लास होगा वो सेकेंड भाग में होगा. सो विल स्टार्ट द रैट ट्रैप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रैट ट्रैप ये शब्द क्या अर्थ है, ये रैट ट्रैप का क्या अर्थ है. सबसे पहले तो रैट इसको हम दो भाग में बांट देते हैं. रैट का अर्थ तो होता है चूहा. ट्रैप, ट्रैप मतलब फंसाने वाला. जैसे कि यहाँ ये चित्र दिखाया गया है तो ये चूहेदानी या तो चूहा फंसाने वाला, ये शीर्षक ही है चूहेदानी या तो चूहा फंसाने वाला, स्पष्ट हो गया. अबाउट द ऑथर तो लेखक के बारे में, सेल्मा लेगरलॉफ 1858 to 1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. तो सेल्मा लागरलोफ जिसका जीवन काल है 1858 से लेकर के 1940 तक, वो एक स्वीडिश लेखिका रही है और जिस whose stories have been translated into many languages, उसकी कहानियां जो है बहुत सारे भाषाओं में उसको अनुवाद किया गया है. इसकी कहानियों को बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया है. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम और उनमें से एक शाश्वत जो विषय है वह सभी में मतलब एक समान है और वह क्या है, अ बिलीफ एक विश्वास दैट द एसेंशियल गुडनेस कि जो महत्वपूर्ण अच्छाइयां हैं इन अ ह्यूमन बीइंग्स तो सभी मानव जाति में जो अच्छाई है कैन बी अवेकन्ड उसको जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव उसको समझबूझ और प्रेम से ही जागृत किया जा सकता है सभी मानव जाति में जो अच्छाई है उसको. दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन तो ये जो कहानी है इसको सेट किया गया है या तो इसको रचा गया है स्वीडन के खान में, स्वीडन के जो खान है वहां पर इसको रचा गया है. रिच इन आयन ओर जो कि आयन से, लौह अयस्क से परिपूर्ण है, लौह अयस्क से धन संपन्न है स्वीडन. विच फिगर लार्ज इन हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री और इसको उस देश के इतिहास में भी और गाथाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है. द स्टोरी इज टोल्ड समवाट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल और ये कहानी कुछ इस तरह से परी की कहानी की तरह इसको बताया गया है. तो हम लेखक के बारे में हमने देख लिया और आगे हम अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरुआत करते हैं. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. तो यहाँ ये जो लेखिका है वो कहानी बता रही है कि once upon a time तो एक बार की समय है, there was a man वहां पर एक आदमी रहता था who went around जो कि वो घूमा करता था selling बिक्री करते हुए small rat traps छोटे छोटे चूहेदानी of wire जो कि wire का बना होता था. He made them himself. वह उन सभी को खुद से बनाता था. At odd moments मतलब odd का अर्थ होता है occasional, कभी कभार, मतलब जो regular नहीं बनाता हो तो इसको कभी कभार जब उसको फुर्सत के समय होते थे उस समय वो बनाता था. From the material he got by begging in the stores or at the big farms. तो उन चीजों से material का अर्थ उन चीजों से जो कि वो भीख मांग करके बेग का अर्थ होता है भीख मांगना, तो भीख मांग करके उन चीजों को प्राप्त करता था. कहाँ से भीख मांगता था, द स्टोर्स बड़े बड़े दुकानों से और एट द बिग फार्म्स बड़े बड़े फार्म्स से वो कुछ भीख मांगता था और उसी से वो जो भीख में फ्री में मिल जाता था उससे वो चूहेदाने बनाता था उस वायर से. बट इवन सो लेकिन इसके बावजूद भी, इवन सो इसके बावजूद भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल लेकिन इसके बावजूद भी जो है उसका जो व्यवसाय कुछ उतना लाभदायक नहीं था. प्रॉफिटेबल का अर्थ है उतना उसको फायदा नहीं हो रहा था इस बिजनेस से भी. वो भीख मांग करके
चूहेदानी बनाता था वायर से और उसको बेचा करता था, लेकिन उसको इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था, कुछ अधिक पैसा नहीं कमा पा रहा था वो। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो ही हैड टू रिसोर्ट, रिसोर्ट नया शब्द आया है, टू रिसोर्ट, रिसोर्ट मतलब उसको बाध्य होना पड़ रहा था। क्या के लिए बाध्य होना पड़ रहा था? टू बोथ, दो चीजों के लिए, बेगिंग, एक तो भीख मांगने के लिए बाध्य होना पड़ रहा था, एंड पेटी थिवरी, पेटी, पेटी का अर्थ है छोटा मोटा, पेटी का अर्थ है छोटा मोटा, थिवरी, थिवरी का अर्थ है चोरी करना, छोटा मोटा वो चोरी भी कर लेता था, भीख भी मांगता था और छोटा मोटा चोरी कर लेता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो ये बहुत अच्छा एडियम मुहावरा का प्रयोग किया गया है यहाँ, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बहुत सुंदर एडियम, एडियम का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ यह है जिंदा रहने के लिए, तो जिंदा रहने के लिए वो भीख भी मांगता था और छोटा मोटा चोरी भी कर लेता था। तो बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब जब हम मर जाते हैं उस समय तो हमारी बॉडी को जो आत्मा होती है, जो सोल होता है, वो छोड़ करके चला जाता है। तो उस बॉडी और सोल को एक साथ रखना मतलब जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए वो ये जो पेडलर था या तो ये रैट ट्रैप था, चूहा बिक्री करने वाला जो फेरी वाला था, वो इन ये सब काम करता था। इवन सो, इसके बावजूद भी, हिज क्लॉथ्स वेयर इन रैग्स, वो जो कपड़े पहनता था वो फटा पुराना कपड़ा था, रैग्स, रैग्स का अर्थ होता है चिथड़ा या तो फटा पुराना कपड़ा, रैग्स। हिज सीक्स वेयर सनकन, और उसके गाल सनकन, सनकन मतलब अंदर धसे हुए थे, शायद बहुत दिनों से उसको ठीक से खाना भी नहीं खाता था होगा और इसलिए उसके गाल जो है अंदर धसे हुए से थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और भूख ग्लीम्ड चमकता था, ग्लीम्ड का अर्थ है चमकता था, इन हिज आइज, और कोई भी देख सकता था उसके चेहरे को देख करके, उसके आंखों को देख करके कि ये इंसान कितना भूखा है, मतलब उसके चेहरे से ही पता चल सकता था वो कितना भूखा है, क्योंकि उसके चेहरे में भूख का चमक होता था। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अफियर टू सच अ वैगाबोंड, तो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है या कोई भी सोच नहीं सकता है कि कितना सैड, उदासी, दुख भरा जीवन हो सकता है। एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस का अर्थ होता है बोरिंग, जो बार बार घटना घटता है, या तो नीरस, इतना उदासी और नीरस भरा जीवन था। कैन अपियर टू सच अ वैगाबोंड, वैगाबोंड मतलब घुमंतू व्यक्ति के लिए, घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए, आवारा व्यक्ति के लिए, जो कि एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है लेकिन वो घूमते रहता है, तो इस व्यक्ति के लिए ये जीवन कितना उदास और निराशापूर्ण था, नीरस था, ये कोई नहीं सोच सकता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कितना उसका जीवन मतलब उबाव और निराश, ये नीरस था, डल था। हु प्लॉट्स अलोंग अलोंग द रोड, प्लॉट्स या नया शब्द आया है, प्लॉट्स, प्लॉट्स का अर्थ होता है जो थके मांदे, जो चलता है भारी पांव से चलता है, जो थक गया है या तो भारी पांव से वो चलता है, तो हु प्लॉट्स वो चल रहा है, अलोंग द रोड थके मांदे वो जो रोड पर चल रहा है, लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, अपने ही चिंतन में खोया हुआ, मेडिटेशन मतलब मनन चिंतन करना, तो अपने ही चिंताओं में वो खोया हुआ सड़क पर चल रहा है, और इस व्यक्ति पर मतलब कोई भी उससे उसके नीरस भरी जिंदगी में, उसके दुख भरी जिंदगी को कोई नहीं कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कितना थका हारा वो दर दर भटक रहा है इस व्यक्ति के बारे में। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन, वन डे, एक दिन दिस मैन हैड फॉलन, ये व्यक्ति गिर गया था नहीं बोलेंगे यहां, लेकिन उसके मन में एक लंबा विचार आया, लाइन, लाइन ऑफ थॉट, इन टू लाइन ऑफ थॉट, तो उसके मन में एक लंबा विचार आया, विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, और उससे उसको बहुत ही मजे मजा आने लगा, ये बहुत ही मजेदार विचार आया उसके मन में और उसको बहुत मजा आने लगा, और क्या सोचता हम आगे देखते हैं। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, तो वह स्वाभाविक रूप से, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, बिन थिंकिंग वह सोच रहा था ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, अपने चूहे दाने के बारे में, चूहे के फंदा के बारे में वह सोच रहा था। व्हेन सडनली, और उसी समय अचानक से, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, और उसी समय उसके मन में एक ऐसा विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि पूरी दुनिया उसके चारों ओर, ऐसा विचार आया कि पूरी दुनिया जो है उसके चारों ओर, द होल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, विथ इट्स लैंड्स जिसमें कि इसका जमीन है, एंड सीज समुद्र है, इट्स सिटीज इसमें शहर है, एंड विलेजेस गांव है, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, तो ये सभी चीजें जो कि पृथ्वी पर निवास करती हैं, तो ये दुनिया में है, इस दुनिया का जो जमीन है, समुद्र है, शहर है, गांव है,
वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है लेकिन क्या है, बहुत बड़ा चूहे का फंदा ही है, बिग रैट ट्रैप, ये सभी चूहे का फंदा ही है, ऐसा कह रहा है वो व्यक्ति। इसके मन में अचानक से ये विचार आया, तो हम देखते हैं किस तरह से ये चूहे का फंदा है ये दुनिया। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेड्स फॉर पीपल। तो बोल रहा है ये दुनिया एग्जिस्टेड, अस्तित्व में नहीं आया है, फॉर एनी अदर पर्पस, किसी दूसरा मकसद के लिए, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए। पर्पस का अर्थ है यहाँ किसी दूसरा मकसद या उद्देश्य के लिए, एग्जिस्टेड का अर्थ है अस्तित्व में। तो ये दुनिया किसी दूसरे पर्पस या किसी दूसरे मकसद या उद्देश्य के लिए, मतलब इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, दैन टू सेट बेट्स, लेकिन ये क्या करता है, बेट्स, बेट्स का अर्थ होता है कुछ, हम लोग मछली पकड़ने जाते हैं या तो कोई भी व्यक्ति कुछ फंदा लगाता है तो उसमें ललचाने के लिए, लालच देने के लिए, किसी भी चीज को लालच देने के लिए कुछ चीजें रख देता है, चारा रख देता है। तो बेट्स का अर्थ यहाँ पर है चारा। तो इस दुनिया का मतलब काम यही है कि इसीलिए अस्तित्व में आया है, और उसका केवल एक ही उद्देश्य है, वो चारा डालता है। फॉर पीपल, किनके लिए चारा डालता है, लोगों के लिए। इट ऑफर्ड रिसेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। तो यहाँ ये बता रहा है ये जो रैट ट्रैप करने वाला व्यक्ति है, वो जो घुमक्कड़ है, वो यही कह रहा है। इट ऑफर्ड, ये दुनिया हम सबको देती है, क्या देती है, रुपया पैसा देती है, धन दौलत देती है, रिचेस एंड जॉयस खुशियां देती है, शेल्टर आश्रय देती है, शेल्टर का अर्थ होता है आश्रय देना, एंड फूड भोजन देती है, हीट एंड क्लोथिंग सुखद गर्म देती है, एंड क्लोथिंग और कपड़े देती है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, उसी तरह से, एग्जैक्टली मतलब ठीक उसी तरह से, जैसे कि चूहे दाने में हम लोग चूहा फंसाने के लिए क्या रखते हैं, ऑफर चीज, पनीर रख देते हैं, एंड पोर्क, पोर्क का अर्थ होता है सुअर का मांस, है ना, मीट ऑफ पोर्क, फ्लेश ऑफ पोर्क, मतलब ये फ्लेश ऑफ पिग, तो सुअर का मांस को पोर्क कहा जाता है, जो विदेशों में अधिकतर प्रयोग करते हैं लोग, तो सुअर का मांस रख देते हैं, या तो पनीर रख देते हैं ताकि चूहा को, मतलब चूहा के लिए चारा हो जाता है, चूहा आकर के उसमें फंस जाए। तो उसी तरह से दुनिया हम प्रत्येक के लिए क्या कर देती है, खुशियां देती है, पैसा देती है, रुपये पैसे देती है, धन दौलत देती है, आश्रय देती है, भोजन देती है, कपड़े देती है, और हम उधर क्या, उसमें हम फंस जाते हैं। एंड एज सुन एज एनिमल लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही कोई भी, लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, कोई भी उस अपना प्रलोभन नहीं रोक पाता है, लालच में आ जाता है, टेम्प्ट का अर्थ है प्रलोभन देना, कि लालच में आ जाता है और छूने का प्रयास करता है, द बेट, बेट मतलब सारा को छूने का प्रयास करता है। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और ये क्या हो जाता है, उस बंद हो जाता है, उसमें फंस जाता है। एंड देन, और तब, एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ का द एंड हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। द होल वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। तो यहाँ अगले पंक्ति में यही बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया जो है इस रैट ट्रैपर के लिए, ये जो फेरी वाला है, इसके लिए मतलब उतना दयालु नहीं है, पूरी दुनिया इसके लिए अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड, तो उसके लिए अच्छा नहीं है, टू हिम उसके लिए। सो इट गेव हिम अनवॉन्टेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और इसीलिए इट गेव हिम मतलब ये जो दुनिया इसको मौका दिया है, अनवांटेड, अनवांटेड जो है मतलब वो असाधारण खुशी दिया है, टू थिंक इल ऑफ इट, और वो इसके बुराई सोच रहा है, इस दुनिया का बुराई सोच रहा है, क्योंकि ये दुनिया जो है उसके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है, और उसको इस दुनिया का बुराई के बारे में सोचते हुए एक तरह से उसको आनंद आ रहा है, अनवांटेड जॉय प्राप्त हो रहा है। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और इसके लिए तो ये सभी ऐसा सोच करके उसको मतलब उसका टाइम पास हो जा रहा है, पास टाइम ऑफ हिज मतलब वो खुश हो रहा है, चेरिस्ट मतलब खुश हो रहा है कि दुनिया भी क्या है, रैट ट्रैप मतलब चूहे दानी के समान है, जो कि सारा रखती है, धन दौलत देती है, मान शोहरत देती है, और लोग जो कि हमेशा पैसे के पीछे पड़े रहते हैं और उसमें जाकर के उन लोग फंस जाते हैं, तो इसलिए उसको खुशी होती है इस तरह का सोच करके, और उसका टाइम भी पास हो जा रहा है। ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, क्योंकि वह ड्यूरिंग मतलब कब उसका टाइम पास हो रहा है, ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी, ड्रेरी का अर्थ होता है नीरस भरा जीवन, ड्रेरी थकावट का जीवन, नीरस भरा जीवन। प्लॉडिंग्स, प्लॉडिंग्स मतलब ये पहले भी अर्थ बताया मैं, प्लॉडिंग्स का अर्थ है भारी पांव से चलना, थका मांदा भारी पांव से चलना, तो अकेला वो चल रहा है रोड पर, और इन चीजों को मनन चिंतन करते जा रहा है, दुनिया के बारे में सोच रहा है कि कैसे दुनिया
एक चूहे के फंदे के समान है, और हम प्रत्येक को कैसे वो ललसाती है धन दौलत दे करके। तो एक तरह से यार हम प्रत्येक को भी क्या, हम प्रत्येक भी किसी ना किसी तरह कुछ व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और हम अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं। जितना भी हमको वर्तमान में मिल रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, उससे और अधिक कमाना चाहते हैं और अधिक कमाना चाहते हैं। तो उसी तरह से मतलब दुनिया हम प्रत्येक के लिए क्या डाल रखा है, एक चारा डाल रखा है खुशियां प्राप्त करने के लिए, धन दौलत प्राप्त करने के लिए, आश्रय प्राप्त करने के लिए, और हम लालच में आकर के उसको स्पर्श करने का प्रयास करते हैं और उस फंदे में हम भी फंस जाते हैं। तो लेखक इस व्यक्ति के माध्यम से हम प्रत्येक को यही समझा रहा है कि हम प्रत्येक भी कहीं ना कहीं इस चूहे के समान इस दुनिया के जो फंदा है उसमें हम फंस चुके हैं। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर्स हु वेयर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। तो इतना सोच करके वो खुश हो रहा था, टू थिंक ऑफ पीपल उन लोगों के बारे में सोच करके, ही न्यू जिसको वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन डेंजरस स्नेयर, जो कि अपने आप उन लोग फंस गए थे, themselves be caught, caught मतलब पकड़े गए थे, in the dangerous snare, उस खतरनाक फंदे में, snare, snare का अर्थ होता है फंदा, तो कई तरह के लोग जाल बिछाते हैं या तो फंदा बिछाते हैं किसी जानवर को या तो पक्षी को पकड़ने के लिए, तो यहाँ स्नेर का अर्थ होता है फंदा। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को जिसको वो जानता था इस खतरनाक फंदे में उनको फंसते हुए देखा था और उनके बारे में सोच करके वो उसको कुछ आनंद आ रहा है। एंड ऑफ अदर्स और दूसरे लोगों के बारे में भी, हु वेर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो कि अभी भी चक्कर काट रहे थे, सर्कलिंग अराउंड चक्कर काट रहे थे, किसका चक्कर काट रहे थे, द बेट, बेट मतलब ही बताया मैं चारा, जो चारा का चक्कर काट रहे थे और वे भी जो फंदा है उसमें फंस सकते थे। आगे वन डार्क इवनिंग तो एक दिन संध्या के समय, जब शाम था, अंधेरा शाम के समय, एज ही वॉज ट्रोजिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। तो एक दिन जब अंधेरा सा रहा था शाम के समय, ही वॉज ट्रोजिंग, ट्रोजिंग मतलब निरस होकर के वो चल रहा था, ट्रोजिंग का अर्थ है भारी पांव से चलना, ट्रोजिंग अलोंग द रोड मतलब वह भारी पांव से वो वजन पांव से वो चल रहा था, क्या पर, सड़क पर चल रहा था, थके हारे वो चल रहा था। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसके नजर में, कॉट साइट ऑफ उसके नजर में एक छोटा सा भूरे रंग का कॉटेज, झोपड़ी देखा उसके नजर में आया, भूरे रंग का वो झोपड़ी देखता है रोड के किनारे, बाय द रोड साइड रोड के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने दरवाजे को खटखटाया, नॉक्ड मतलब खटखटाना, ऑन द डोर दरवाजे पर, टू आस्क शेल्टर आश्रय प्राप्त करने के लिए, है ना, आश्रय मांगने के लिए, फॉर द नाइट एक रात के लिए आश्रय मांगने के लिए वो दरवाजे पर खटखटाया। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, और मजे की बात तो ये है कि इसको इनकार भी नहीं किया, जो मालिक था वो इनकार नहीं किया, नॉर वॉज ही रिफ्यूज मतलब इसको स्वीकार कर लिया गया, दरवाजा खोल दिया गया, इसको आश्रय दे दिया गया। इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, तो रोज दिन वो भीख मांगने जाता था और लोग कई तरह से, हम जानते हैं जो बेगर होते हैं, जो भिखारी होते हैं, उनको कई तरह के मतलब गुस्सैल चेहरे देखने को मिलते हैं, खट्टे चेहरे को मिलते हैं, कड़वे चेहरे देखने को मिलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ द सावर, सावर मतलब खट्टा होता है, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो मतलब गुस्सैल चेहरे के देखने के बजाय, फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, जो कि वह साधारणतः देखने को मिलता था, गुस्सैल चेहरे से वो मिलता था, द ओनर मालिक, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, तो जो मालिक है उस झोपड़ी का, हु वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बुजुर्ग व्यक्ति है, विदाउट वाइफ बिना किसी पत्नी के और चाइल्ड ना ही उसके बच्चे हैं, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, तो वह बहुत खुश था, वॉज हैप्पी बहुत खुश था, टू गेट समवन किसी को ऐसा मिल करके, टू टॉक टू कि वह उससे बातें कर सके, इन हिज लॉनलीनेस उसके अकेलेपन में, तो उसको भी अकेलापन का एहसास होता था, ना उसकी पत्नी है ना बच्चे हैं, तो कितने दिन तक अकेलापन रहेगा, तो किसी को पा करके वो बहुत खुश होता था, कम से कम उससे बात करने के लिए तो कोई मिल गया, ऐसा सोच रख करके। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, तो इमीडिएटली अचानक से या तो तुरंत, है ना, इमीडिएटली तुरंत, ही पुट द पॉरिज, यहाँ पॉरिज, पॉरिज का अर्थ होता है एक तरह से खिचड़ी, या तो हम दलिया बोल सकते हैं, दलिया, तो वह तुरंत दलिया बनाने के लिए पॉट पर बर्तन को चढ़ा दिया, ऑन द फायर आग में, एंड गेव हिम सपर,
और उसको दिन का जो आखिरी भोजन होता है सपर, सपर का अर्थ होता है दिन भर का जो आखिरी भोजन होता है उसको सपर कहा जाता है, उसको दिन का आखिरी भोजन दिया। देन ही कार्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। और उसके पश्चात खाना खाने के पश्चात देन ही कार्ड ऑफ मतलब काटा, काटना होता है कार्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस, एक बहुत बड़ा टुकड़ा मतलब ऐसा टुकड़ा काटा फ्रॉम हिज टोबैको रोल। टोबैको रोल मतलब एक जो तंबाकू खाने वाले एक लंबा मतलब एक सुखाया हुआ पौधा को हम लोग उसमें मोड़ करके रख लेते हैं, उसमें से एक टुकड़ा वो काटा ताकि दोनों के पाइप के लिए, पाइप मतलब एक तरह का हुक्का सीलम जो पुराने जमाने में दादा दादी लोगों को देखते हैं उन लोग पीते थे, तो विदेशों में मतलब लोग पाइप बोलते हैं उसमें उन लोग लगा करके उसको उसका धुआं हम लोग अंदर लेते हैं, तो टोबैको रोल था उसमें से वो कुछ हिस्सा काटा। दैट इट वॉज एनफ जो कि पर्याप्त हो सके बोथ दोनों के लिए, फॉर द स्ट्रेंजर्स जो अजनबी है, स्ट्रेंजर का अर्थ होता है जो अजनबी जिसको हम नहीं पहचानते हैं, तो अजनबी के लिए, अजनबी के पाइप के लिए एंड हिज ओन और खुद के पाइप के लिए। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। तो ये पाइप पीने के बाद फाइनली मतलब आखिरी में ही गोट आउट, वह उठ खड़ा हुआ और एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, वह गोट आउट मतलब निकाला, वो एक पुराना गड्डी निकाला, ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स मतलब कार्ड का गड्डी निकाला एंड प्लेड मजलिस, प्लेड मजलिस, मजलिस क्या है, मजलिस जो है स्वीडन में जो ताश के पत्तों से जो खेल खेला जाता है उसको कहा जाता है मजलिस, विथ हिस गेस्ट तो अपने मेहमान के साथ, गेस्ट का अर्थ है मेहमान, अंटिल बेड टाइम कब तक, बेड टाइम जब तक कि सोने का समय नहीं हो गया, उन लोग दोनों ताश खेलते रहे, कौन स्ट्रेंजर और वो अजनबी और वो बुजुर्ग व्यक्ति। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरिस एंड टोबैको। तो यहाँ कहा जा रहा है द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उतना ही उदार था, जेनरस दयावान था, उदार था, विथ हिज कॉन्फिडेंसेस, कॉन्फिडेंसेस मतलब अपना भेद या रहस्य, कॉन्फिडेंसेस, कॉन्फिडेंसेस का अर्थ है भेद या रहस्य से वो उतना ही उदार था जितना कि वो क्या बांटने में था, दलिया और तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू का अर्थ है तंबाकू, दलिया या तंबाकू को बांटने में जितना उदार दिखाया उतना ही वह अपना भेद या रहस्य को बताने में भी उतना ही उदार था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉप्टर। तो गेस्ट को, मेहमान को बता रहा है अभी, मेहमान वॉज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, मेहमान को बताया गया एट वंस तुरंत दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, जब वह बहुत समृद्धशाली था, धन दौलत था उसके पास, प्रोस्पेरिटी मतलब जब वह समृद्धशाली था उन दिनों में, हिज होस्ट, होस्ट का था यहाँ मेजबान, मेजबान मतलब यहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति, क्योंकि वो उसको मेहमान देख रहा है तो ये होस्ट हो गया, जो मेहमान नवाजी करते हैं उसको बोला जाता है होस्ट। तो यहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो बता रहा है कि उनके प्रोस्पेरिटी के समय में, उनके धन संपन्न के दिनों में, इसका तुम्हारा जो ये क्या है होस्ट है, हैड बीन अ क्रॉप्टर, वो क्या था पहले, क्रॉप्टर था, क्रॉप्टर मतलब जो कि किराए में जमीन देता था, किराए में जमीन देता था, तो उस काम करने वाला मतलब किराए के जमीन देने वाला एक व्यक्ति था, कहाँ पर, अट राम्स जो आयन वर्क्स, राम्स जो आयन वर्क्स में वो किराए का जमीन उपलब्ध कराता था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वह वहां पर काम भी किया था, एंड हैड वर्क ऑन द लैंड। तो ये राम्स जो आयन वर्क्स ये हम लोगों को बाद में फिर पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारा जो आयन के काम होते हैं, लोहे के काम होते हैं, लोगों को गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तो यहीं पर वो काम भी किया था, कौन, ये बुजुर्ग व्यक्ति। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, लेकिन आज अभी, नाउ मतलब अभी वह काम नहीं कर सकता था, टू डू लेबर, लेबर मतलब उतना मेहनत नहीं कर सकता था, परिश्रम नहीं कर सकता था क्योंकि वह बुजुर्ग हो गया था, इट वॉज हिज काउ, और इसीलिए उसका एक गाय विच सपोर्टेड हिम, जो उसको अभी पूरी तरह से सपोर्ट करता था उसकी जीविका चलाने में, उसकी गाय उसको सपोर्ट करती थी। यस दैट बूसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो यह है बूसी, बूसी मतलब गाय के अलग अलग नस्ल होते हैं, तो गाय के लिए प्रयोग किया गया है सब, दैट बूसी मतलब ये जो गाय है वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये कोई साधारण गाय नहीं थी लेकिन ये कुछ असाधारण गाय थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, इसमें कुछ विशेषता थी, सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। तो बोल रहा है ये दूध दे सकती थी,
शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी. क्रीमरी क्या है? क्रीमरी मतलब है दूध से जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो मक्खन हो, पनीर हो, जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसको कहा जाता है क्रीमरी. तो फॉर द क्रीमरी एवरी डे, प्रत्येक दिन जो कारखाने में जो क्रीमरी बनाया जाता है उसके लिए, मतलब उसके गाय से जो दूध मिलता था उससे वो उसको पूरा किया जा सकता था कारखाने को. एंड लास्ट मंथ, और पिछले माह में, ही हैड रिसीव, उसको मिला है ऑल ऑफ 30 क्रोनर. उसको लगभग कितने क्रोनर मिला है? 30 क्रोनर मिला है. 30 क्रोनर, ये क्रोनर क्या है? क्रोनर जो है करेंसी है, स्वीडन का क्रोनर, जैसे भारत का करेंसी रुपया है उसी तरह के स्वीडन का जो करेंसी होता है उसको क्रोनर कहा जाता है इन पेमेंट. तो उसको 30 क्रोनर, मतलब भारत के रुपए में बोलेंगे तो उसको 30 रुपए पिछले माह ही मिला है. इस तरह का वो अपने जो मेहमान था उसको बता दिया. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस. तो ये अजनबी, उसको ऐसा लगा होगा जब ये बुजुर्ग व्यक्ति बता रहा है कि उसको 30 रुपए मिला है, तो उसको उसके चेहरे पर ऐसा प्रतीत हुआ, वो ऐसा चेहरा, उसका चेहरा ऐसे दिखाया, वो अजनबी अपना चेहरा ऐसे दिखाया जैसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा हो. इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस का अर्थ है अविश्वसनीय. क्रेडुलस जो कि आसानी से विश्वास किया जा सके, लेकिन यहाँ इन लग गया है, इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस का अर्थ है अविश्वसनीय. तो उसके बातों पर उसको ऐसा लग, उसके चेहरे से लग रहा था कि बुजुर्ग के बातों पर ये जो अजनबी है वो विश्वास नहीं कर रहा. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो. और इसीलिए बुजुर्ग व्यक्ति उठ गया. गॉट अप मतलब उठ खड़ा हुआ. एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया. टुक डाउन अ लेदर पाउच, और वहां से वो टुक डाउन मतलब उतारा. टुक डाउन का अर्थ है उतारा. लेदर, लेदर का अर्थ तो होता है चमड़ा. पाउच, पाउच का अर्थ होता है थैला. तो चमड़ा का बना हुआ थैला था जिसमें को 30 रुपए रखा हुआ था, उसको नीचे उतारा. विच हंग ऑन अ नेल, जो कि एक कांटी पर टंगा हुआ था. हंग, हंग का अर्थ है टंगा होना. ऑन अ नेल, नेल का अर्थ है कांटी पर. इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि खिड़की का जो ढांचा था, फ्रेम खिड़की का जो ढांचा था उस पर ही टंगा हुआ था. एंड पिक्ड आउट थ्री रिंकल्ड 10 10 क्रोनर बिल्स. और उस थैली से पिक्ड आउट मतलब निकाला, पिक्ड आउट का अर्थ है निकाला. थ्री कितना? 3 रिंकल्ड मतलब रिंकल्ड का अर्थ है रिंकल चेहरा. चेहरा हम देखते हैं जब बुजुर्ग दादी या दादा लोग, उनका चेहरा जब उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं रिंकल्ड, है ना, रिंकल्ड. तो यहाँ पर नोट, नोट के लिए प्रयोग किया गया है. तो नोट जब हम बहुत दिनों तक पॉकेट में रखते हैं तो ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, उधर इधर हो जाता है, मुड़ जाता है. तो तीन तीन, है ना, तीन दस दस का, 10 10 क्रोनर का 3 नोट निकाला. बिल्स, बिल्स का अर्थ है बैंक नोट. दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइस ऑफ हिज गेस्ट. और उसको वो पकड़े रहा, किसके सामने? अपने मेहमान के आंखों के सामने वो उसको पकड़ा पकड़ा हुआ था. नोडिंग नोविंगली, और उसको हिला रहा था जानबूझकर. नोडिंग, नोडिंग का अर्थ होता है हिलाना. नोविंगली जानबूझकर को उसको हिला रहा था. एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच. और तब उसको वो ठूंस दिया. स्टफ्ड का अर्थ होता है ठूंस देना. बैक फिर से कहां पर? झोला में, थैला में उसको ठूस दिया जहां से वो निकाला था. द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन. तो दूसरे दिन, तभी तो रात में लोग सो गए, और सोने के पश्चात दूसरे दिन उन लोग बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में, गुड सीजन मतलब यहाँ अच्छे मौसम बोलने के बजाय मतलब अच्छा नींद सोने के बाद मतलब खुशी से उन लोग उठ गए. द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन मतलब बहुत मस्ती में उन लोग उठ गए सो करके. द क्रॉप्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ. तो क्रॉप्टर, क्रॉप्टर का अर्थ मैं बता ही दिया था. तो ये जो क्रॉप्टर है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वॉज इन अ हरी, वो बहुत जल्दी में था टू मिल्क. तो ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है. टू मिल्क का अर्थ होता है दूध दूहना. मिल्क का अर्थ तो नाउन में होता है दूध, लेकिन यहाँ टू मिल्क वर्ब प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है दूध दूहना. तो उसको जल्दी था अपने गाय का दूध दूहने के लिए, और वह दूध दूहने चला गया. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. और दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति मतलब जो अजनबी व्यक्ति जो कि सुहादानी वेश्या करता था, अदर मैन, प्रोबेबली थॉट, वह संभवतः सोचा. प्रोबेबली मतलब संभवतः सोचा वो, थॉट ही शुड नॉट स्टे इन इन बेड, कि उसको बेड बिस्तर पर नहीं पड़े रहना चाहिए. व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, क्योंकि जो जो परिवार का जो मुखिया है वह उठ गया है, तो उसको भी सोए नहीं रहना चाहिए, और इसलिए वो भी उठ गया. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. और ये दोनों ने, दोनों दोनों लोग, कौन कौन? ये क्रॉफ्टर बुजुर्ग व्यक्ति, और ये जो चूहेदान बिक्री कर रहा था, उन लोग दे
लेफ्ट द कॉटेज, झोपड़ी को छोड़े, एट द सेम टाइम, सेम टाइम मतलब वहां से एक ही समय में दोनों प्रस्थान किए। तो क्रॉप्टर जो है दूध दुहने चला गया और व्यक्ति फिर से सुहादानी बेचने के लिए से निकल पड़ा हो गया उसने की व्यक्ति। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। तो देखो क्रॉप्टर लॉक्ड, लॉक्ड मतलब ताला लगाया द डोर दरवाजे को, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट और चाबी को अपने पॉकेट में डाल लिया। द मैन विथ द रैट ट्रैप सेड, और द मैन जो चूहेदानी व्यक्ति चूहेदानी बेचता था वो व्यक्ति ने कहा, विद द रैट ट्रैप सेड उसने कहा गुड बाय अलविदा, गुड बाय का अर्थ है अलविदा कहा, एंड थैंक यू और उसको धन्यवाद दिया बुजुर्ग व्यक्ति को। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और इस तरह से दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ईच वेंट हिज ऑन वे मतलब दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन क्या होता है हम देखते हैं आगे। बट हाफ एन आवर लेटर आधे घंटे बाद द रैट ट्रैप पेडलर, रैट ट्रैप मतलब चूहेदानी बेचने वाला, पेडलर, पेडलर का अर्थ है फेरी वाला जो कि गांव में गली में वो जा क्या बेचता है, जो भी कुछ 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 भी सामान बेचता है गांव गली में घूम घूम करके बेचता है उसको कहा जाता है पेडलर अंग्रेजी में, और हिंदी में हम फेरी, फेरी के नाम से जानते हैं। तो ये जो फेरी वाला है वो फिर से आ गया, कहाँ स्टूड अगेन बिफोर द डोर, उस बुजुर्ग व्यक्ति के दरवाजा के पास आकर के खड़ा है। आधे घंटे के बाद वो फिर से लौट आया और बुजुर्ग व्यक्ति के दरवाजा के पास खड़ा है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वह किसी भी तरह अंदर प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, लेकिन वो केवल कहाँ तक गया, खिड़की के पास गया, वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पैन, स्मैश्ड अ पैन है ना, विंडो पैन, स्मैश्ड, स्मैश्ड का अर्थ है उसको जोर से प्रहार करना, हाथ से जोर से मारा, स्मैश्ड हाथ से जोर से प्रहार किया। अ पैन, पैन का अर्थ है शीशा, जो कि खिड़की में जो शीशा लगा होता है उसको जोर से प्रहार किया। स्ट्रक इन हिज हैंड, और स्ट्रक इन हिज हैंड अपना हाथ को अंदर डाला, स्ट्रक मतलब अपने हाथ को अंदर डाला, एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और वो जो थैला था उसको पकड़ लिया, विद द 30 kroner जिसमें कि 30 kroner था, स्वीडिश करेंसी था 30 kroner, ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ऑन पॉकेट, वह पैसा निकाल लिया, ही टुक द मनी पैसा निकाल लिया, एंड थ्रस्ट इट और इसको फिर से ठूस दिया, इंटू हिज इसको ठूस दिया क्या को, पैसा को, इंटू हिज ऑन पॉकेट अपने पॉकेट पर ठूस दिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और उसके पश्चात देन ही हंग उसको टांग दिया, हंग का अर्थ होता है टांगना, द लेदर पाउच चमड़े की थैली को वेरी केयरफुली बहुत ही सावधानी से बैक, बैक मतलब उसी जगह, इन इट्स प्लेस उसी जगह में, एंड वेंट अवे और वह चला गया। तो देखो यहाँ हमारे चोर है मतलब चोरी तो कर रहा है लेकिन उसमें ईमानदारी भी है, वो चाहता तो चमड़े का थैला के सहित वो ले जाता था लेकिन उसको सावधानी से जैसा वो टंगा था वैसे ही टांग दिया, केवल उसमें से पैसे उसुरा लिया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और जैसे ही वह चल रहा था पैसे को लेकर के, in his pocket, पैसे को अपने पॉकेट में लेकर के, he felt quite pleased, उसको बहुत खुश लग रहा था, pleased, pleased का अर्थ है खुश होना, with his smartness, smartness मतलब अपने चतुराई पर उसको बहुत खुशी लग रही थी कि कितना चतुराई से वह उस बुजुर्ग के पैसे को निकाल लिया है, और जाते हुए यही खुश होते हुए चला जा रहा था। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. लेकिन उसको एहसास होता है, he realized, मतलब उसको एहसास हुआ, of course that at first, शुरुआत में, he dared not continue on the public highway. उसको साहस नहीं हुआ, dared मतलब कोई भी व्यक्ति जब गलत काम करता है तो उसके मन में एक डर, भय बना होता है। तो यही चीज इस पेडलर के मन में भी है, इस रैट ट्रैप बेचने वाले के मन में भी है, फेरी वाले के मन में भी है। उसको अभी हिम्मत नहीं हो रहा है जिस उस हाईवे पर चलने की जिसमें कि भीड़ भाड़ है, सब लोग चल रहे हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए उसको थोड़ा सा हिम्मत नहीं हो रहा है, ऑन द पब्लिक हाईवे, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और इसलिए वो अपना रास्ता बदल दिया, ही मस्ट टर्न ऑफ द रोड, क्योंकि कोई भी उसको मान लो उस व्यक्ति को पता चल जाता है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को पता चल जाता है तो उसका पीछा कर सकता है, तो ये डर उसके मन में है, इसलिए उस जिसमें सब लोग होके जा रहे हैं उस रास्ता को बदल दिया। इनटू द वुड्स, और रास्ता बदल करके कहाँ चला गया, वो जंगल के रास्ते जा रहा है, इनटू द वुड्स, वुड्स का अर्थ होता है जंगल। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी,
ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, तो पहले पहर में या तो पहले घंटे में तो उसको किसी भी तरह का समस्या नहीं हुआ, कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, मतलब किसी भी तरह के उसको समस्या नहीं हुआ। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में, बाद के घंटों में ये और ही बदतर हो गया, वर्स, वर्स मतलब बहुत बुरा स्थिति हो गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल और बहुत ही कन्फ्यूजिंग जंगल था, विच ही हैड गॉटन इन टू, जिसमें कि वह प्रवेश कर गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर, वह प्रयास किया निश्चित होने के लिए, टू वॉक इन अ डिफरेंट डिरेक्शन, तो प्रयास भी किया वो निश्चित दिशा में हो जाए, डिफिनेट डिरेक्शन मतलब निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़े। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो भी रास्ता वो लेता था, पाथ्स का अर्थ होता है रास्ता, जो भी रास्ता वो पकड़ता था, ट्विस्टेड का अर्थ मतलब घुमावदार रास्ता था, बैक एंड फोर्थ वो आगे पीछे मतलब जाता था रास्ता, आगे पीछे मतलब वही रास्ता कितना घुमावदार था, आगे पीछे जाता था, सो स्ट्रेंजली बहुत ही आश्चर्य रूप से। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वह चलता गया और उसको ये जंगल का अंतिम शोर ही नहीं मिल पा रहा है, विदाउट कमिंग टू द एंड मतलब जंगल का अंतिम शोर ही उसको नहीं मिल पा रहा है, ऑफ द वुड। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसको एहसास होता है, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में उसको एहसास होता है कि वो तो केवल जंगल में केवल उसी भाग में ही वो चल रहा है, उसी समय से वो मतलब एक ही क्षेत्र में चल रहा है, अराउंड इन द सेम पार्ट, उस केवल उसी भाग में ही वो चल रहा है, इन द फॉरेस्ट। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, और तब उसको याद आया, रिकॉल्ड मतलब वो याद किया, क्या को याद किया, हिज थॉट्स अपना उस विचार को जो कि वो सोचते आ रहा था शुरुआत में, अबाउट द वर्ल्ड दुनिया के बारे में, वो सोचा था ना कि दुनिया क्या है, एक बहुत बड़ा चूहेदानी के समान है जो कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है, धन दौलत देती है, शोहरत देती है, शेल्टर देती है, सब कुछ देती है, और ये सब हमको एक चारा के समान देती है, और हम सब इसको छू करके हम उसमें फंस जाते हैं। एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में वो ऐसा भी एहसास करने लगा। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, और अभी सोच रहा है अभी उसकी बारी आई है, अभी तो लोगों के बारे में सोच रहा था कि कैसे फंस जाते हैं, लेकिन वो अभी उसकी बारी आई है, वो भी खुद इस चूहे के जाल में फंस गया है, इस जाल में फंस गया है। किस तरह से फंस गया, क्योंकि वो भी क्या प्रलोभन में आ गया, और उस बुजुर्ग व्यक्ति के जो 30 क्रोनर था उसको चोरी करके जा रहा है, मतलब जो प्रलोभन एक चारा था उसके लिए, और उसको उन लोग छू कर मतलब ले करके वो खुद ही फंस गया इस जाल में, इस रैट ट्रैप में। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, तो इसी को आगे बताया गया है, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, वह अपने आप को मूर्ख बना लिया है, बाय अ बेट उस चारे से, एंड हैड बीन कॉट और वह पकड़ा गया है। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, और जंगल में जो कि कटे हुए भाग, कटे हुए पेड़ के भाग को क्या कहा जाता है, ट्रंक्स कहा जाता है, पेड़ काटने के बाद जो बचा हुआ भाग उसको ट्रंक्स कहा जाता है, एंड ब्रांचेस और उनके डालियां, इट्स थिकेट्स, थिकेट्स का अर्थ है झाड़ियां, ब्रांचेस का तो होता है डालियां, लेकिन इट्स थिकेट्स मतलब छोटे छोटे कई झाड़ियों को मिलाकर के जो बड़ी झाड़ियां बन जाती है उसको कहा जाता है थिकेट्स, इट्स थिकेट्स, एंड फॉलन लॉग्स, और फॉलन लॉग्स लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठे को कहा जाता है लॉग्स, गिरे हुए लकड़ियों के लट्ठे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, तो बोल रहा है कि जंगल में जो भी कटे हुए पेड़ के अवशेष हैं, डालियां हैं, जो झाड़ियां हैं और गिरे हुए जो लकड़ियां हैं, वो सभी दरवाजा बंद कर दिए हैं, उसको पकड़ लिए हैं, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसको बंद कर दिए हैं, लाइक एन इम्पेनेट्रेबल का अर्थ है अभेद, जिसको कि भेदा नहीं जा सकता है, पेनेट्रेबल मतलब जिसको कि भेदा जा सकता है, लेकिन इम्पेनेट्रेबल मतलब अभेद, जेल के समान उसके लिए जंगल बन गया है, और जिसको पार पाना वो उसके लिए मुश्किल है, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहां से वो कभी नहीं बच सकता है, तो ऐसे जाल में ये रैट ट्रैप बिक्री करने वाला पेडलर फंस चुका है। नेक्स्ट, इट वॉज लेट इन डिसम्बर, तो ये कब कब की बात है, यहाँ लेखिका बताना चाह रहा है, इट वॉज लेट इन डिसम्बर, तो ये दिसंबर के आखिरी महीने का समय है,
डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। तो लेख जो पेडलर है वहां से नहीं निकल पाया है और अंधेरा धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिसेंडिंग छा रहा है ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में अंधेरा धीरे धीरे छा रहा है। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिस्स ग्लूम एंड डिस्पेयर। और ये जो अंधेरा धीरे धीरे छा रहा है ये उसकी डर को बढ़ा दिया, खतरा को बढ़ा दिया, इस उसके डर को बढ़ा दिया, खतरा को बढ़ा दिया। इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिस्स ग्लूम एंड डिस्पेयर, और यहाँ तक कि उसके ग्लूम अंधेरा को और उसके निराशा को, डिस्पेयर मतलब उसके निराशा को और अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि उसको अभी डर है, डर इस बात का क्योंकि अभी अंधेरा होने जा रहा है और अंधेरा में ठंड का मौसम भी है और जंगली जानवर भी आ सकते हैं, और तो वह इससे डरा हुआ है और निराशा हो गया उसके जीवन में, निराशा सा आ गया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस तरह की भावना आ गया और इस तरह से वो उसका डर भय बढ़ गया। फाइनली अंत में ही सो नो वे आउट, अंत में देखा कि उससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर लुढ़क गया, लेट गया। सैंक डाउन मतलब जमीन पर धस गया, इसे शाब्दिक अर्थ में इसका अनुवाद होता है, लेकिन वो जमीन पर वहां लेट गया। टायर्ड टू डेथ, तो एक तरह से इडियम है, टायर्ड टू डेथ मतलब वो दिन भर सुबह से शाम तक वो चलता फिरता रहा तो इतना थक गया जैसे कि वो उससे रहा नहीं जा रहा, वो मरने ही वाला हो, इस तरह से टायर्ड टू डेथ। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो तो अभी ऐसा ही सोच रहा है कि उसका अंतिम क्षण आ गया है, वो मरने ही वाला है, अब उसको उसका जीवन मतलब खत्म हो जाएगा। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वह अपना सिर जमीन पर वो टिकाया, ही हर्ड अ साउंड, उसने कुछ आवाज सुनी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक कठोर और नियमित रूप से थम्पिंग मतलब थप थप करने की आवाज। जब आप सभी ने देखा होगा जहां पर वेल्डिंग किया जाता है तो वहां पर जब किसी हैमर से धातु को पीटा जाता है, जो पीटने का जो आवाज आ रहा है उसी आवाज को यहाँ थम्पिंग कहा जाता है, थप थप की आवाज आ रही थी और नियमित रूप से आ रही थी। तो उस जब वह जमीन पर मतलब सिर टिकाया ही था उस समय ऐसी आवाज आई। देर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, तो उसको पता था क्योंकि क्या वो पहचान गया क्या का आवाज है। तो देर वॉज नो डाउट, तो बोल रहा है वहां पर कोई संदेह नहीं है एज टू वट दैट वॉज, कि ये क्या का आवाज था। ही रेज हिमसेल्फ, वह अभी उठ खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, तो बोल रहा है ये सभी जो आवाज आ रहा है वो किसका है, हैमर स्ट्रोक का। हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा स्ट्रोक्स मतलब मारने का, हथौड़ा से मारने का आवाज है। फ्रॉम एन आयरन मिल, कहीं पर लोहे का कारखाना होगा और वहां से ये आवाज आ रही है। ही थॉट, उसने सोचा, देर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो बोल रहा है यहाँ पर लोग हो सकते हैं या आसपास, तो नजदीक में कहीं, नियर बाय मतलब नजदीक में आदमी लोग भी हो सकते हैं। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, तो उसने अपना पूरा शक्ति इकट्ठा कर लिया, गॉट अप, उठ खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डिरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह लड़खड़ाते हुए, स्टैगर्ड स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ाते हुए, इन द डिरेक्शन ऑफ द साउंड, वह चलने लगा उसी दिशा में जिधर से आवाज आ रहा था, ये मतलब थम्पिंग आवाज आ रहा था, थप थप की आवाज आ रहा था हैमर का मारने का, उसी दिशा में वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया। द राम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, तो राम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, तो आज हम यही क्लास को अंत करते हैं। ये बहुत लंबा पाठ है और हम एक ही बार में अगर पढ़ाना चाहें तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, और बड़ा बड़ा वोकेबुलरी का प्रयोग किया गया है, तो आप ज़रूर मेहनत कीजिए और ये सभी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी अगर आप भी बुक लेकर के पढ़ेंगे और उसको अंडरलाइन करते जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन करके दिखाया है कौन कौन से जो नए शब्द हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं ये जो इसको मैं यूट्यूब में भी शेयर करता हूँ, तो यूट्यूब मेरा बना हुआ है और आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी करें, लाइक भी करें और दूसरों को शेयर भी करें। तो हम यहाँ पर इस क्लास को अंत करते हैं और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, दूसरा भाग में। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।